हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गोर। रुको 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 जरा, मैं आप लोग को मस्तिष्क यानी कि मानव ब्रेन पूरी एक्सप्लेन करूँगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाऊँगा, दोनों लैंग्वेज में। गाइज, आपको मैं यहाँ पे नोट्स देने वाला हूँ। आप चाहे मेडिकल के किसी फील्ड से बिलोंग करते हो, मेरे चैनल पे जाके देखो, सिलेबस वाइज सारे टॉपिक दिए हुए। स्टार्ट करते ब्रेन, मानव मस्तिष्क। यार एक रिक्वायरमेंट है, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी डिटेल से समझाऊंगा गाइज, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। देखो, ब्रेन इज़ अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच कैरी ऑल सेंसरी इन्फॉर्मेशन। मानव मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। यह शरीर की समस्त जानकारी को एकत्रित रखता है। कि समस्त जानकारी, यह हमारी याददाश्त को एकत्रित रखता है, यह हमें बॉडी को मूव करने की परमिशन देता है, यह हमें काम करने की परमिशन देता है, यह हमें बोलने की परमिशन देता है, यह हमें सुनने की परमिशन देता है। जितनी भी एक्टिविटी होती है हमारी, हमारा सारा जो ब्रेन है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी जानकारी होती है सेंसरी, वो सारी चीज़ें ब्रेन करता है, यानी कि मानव मस्तिष्क। नेक्स्ट लाइन देखिए, ब्रेन मेड अप 100 बिलियन ऑफ न्यूरोन बट 15 बिलियन न्यूरोन सेल्स आर एक्टिवेटेड। बोलना है कि जो मानव का जो मस्तिष्क है ना गाइज, उसमें कितनी कोशिकाएं होती है गाइज, उसमें लगभग 100 बिलियन कोशिकाएं होती है, ठीक है। इन 100 बिलियन कोशिकाओं में से केवल 15 बिलियन कोशिकाएं ही जागरूक रहती है मानव का मस्तिष्क है, ठीक है। अब ह्यूमन ब्रेन में देखो, आपने आइंस्टीन जी के बारे में सुना होगा, तो आइंस्टीन ने क्या किया था, अपने दिमाग को इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया था, मतलब 15 बिलियन से भी ज़्यादा कोशिकाएं उनकी जो न्यूरॉन सेल है गाइस वो एक्टिवेटेड हो गई थी। बट 100 बिलियन अगर किसी का दिमाग 100% काम करने लगे, अगर किसी ने एक मूवी है वो अगर नहीं देखी हो तो मार्वल की मूवी है ब्लैक विडो का जिसने रोल किया, वो आप मूवी देखना, उसमें उसका जो ब्रेन है ना 100% काम करने लगता गाइस। तो जो ये 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं, ये कोशिकाएं सबके दिमाग में होती है, मेरे में भी है, आपके में भी, पर केवल 15 बिलियन कोशिकाएं ही जागरूक रहती है, ये चीज़ ध्यान रखना। और इनको जागरूक करने का तरीका क्या है, मेडिटेशन करो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम बिलियन जो सेल्स से इनको एक्टिवेटेड कर सकते हैं। दिस न्यूरोन सेल आर एक्टिवेटेड बिटवीन 1 to 5 ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ये न्यूरोन कोशिकाएं 1 से 5 साल के बीच में जागरूक होती है, 1 से 5 साल के बीच में, ये पॉइंट आप दिमाग में रख लो आपके। देखो सिंपली बात है, जब बच्चा रहता है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है गाइज, उसको सोचने जो बचपन की यादें हम अभी तक नहीं भूले, पूरी जीवन भर, यानी कि व्यक्ति को बुढ़ापा आ जाता है तब भी उसके बचपन की यादें नहीं भूलता है। क्यों? क्योंकि जो बचपन में हमारी सबसे ज़्यादा सेल्स जो ब्रेन की है, हमारा मस्तिष्क जागरूक होता है, हमारी जो ब्रेन की कोशिका है, हमारी ब्रेन जो सेल्स है वो जागरूक होती है। ये कब जागरूक होती है याद रखना गाइस, 1 से 5 साल, तो 1 to 5 ईयर के बीच में ही आपके ब्रेन की सारी कोशिकाएं, सारी सेल्स जागरूक होती है, और सेल्स जागरूक होकर आपको एक्टिवेटेड बनाती है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मल वेट ऑफ ब्रेन मनुष्य के, पुरुष के अंदर तो 1400 ग्राम और महिलाओं के अंदर 1100 ग्राम। ये दोनों क्वेश्चन लाखों बार अलग अलग प्रकार के एग्जामों में गाइस पूछे गए कि एक मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। बात करूँ पुरुषों की तो पुरुषों के अंदर 1400 ग्राम होता है, महिलाओं के अंदर गाइस, महिलाओं के अंदर 1100 ग्राम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ता हूँ। जल्दी जल्दी सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़, ठीक है। सिंपल चीज़ बताई मैंने आपको, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, 100 बिलियन कोशिकाएं हमारे दिमाग में होती है परंतु 15 बिलियन कोशिकाएं ही जागरूक रहती है। दूसरी चीज़, ये न्यूरॉन जो कोशिकाएं होती है 1 से 5 साल के बीच में ही जागरूक होती है। मनुष्य के जो दिमाग का वजन है, पुरुषों के अंदर 1400 ग्राम, महिलाओं के अंदर 1100 ग्राम, महिलाओं के अंदर वजन कम होता है एज़ कंपेरिजन पुरुष, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पेज पर बढ़ता हूँ मैं। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, अब देखो हमें पता है हमारा जो मस्तिष्क है बहुत सॉफ्ट है, ये कैसे प्रोटेक्टेड रहता है गाइस। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय मेनी लेयर ऑफ एंड स्कल। मनुष्य को जो मस्तिष्क की कई प्रकार की परतों से मिलकर बना ढका रहता है, जैसे कि आउटसाइड ऑफ ब्रेन प्रेजेंट 3 इंपॉर्टेंट लेयर दैट इज प्रोटेक्ट अवर ब्रेन। बोलना है कि मस्तिष्क के बाहर 3 प्रकार की परतें पाई जाती है जो कि मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। डायग्राम देखो, देखो सबसे ऊपर हमारे खोपड़ी के ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं, चमड़ी है, ठीक है,
कैल्शियम है, कैल्शियम जो ये स्कल है गाइस, ये आपको दिख रही है, ये हड्डी है, ये स्कल है। स्कल के नीचे तीन लेयर पाई जाती है जिसे ड्यूरामेटर, आर्कनोइड मेटर या पियामेटर, तीन नाम है इन लेयर के। सबसे ऊपर वाली ड्यूरामेटर, उसके नीचे वाली आर्कनोइड मेटर, उसके नीचे वाली गाइस पियामेटर। इन तीनों लेयरों को मिला के आपस में मेनिंजेस कहा जाता है, और इन लेयरों में यदि कोई इन्फेक्शन हो जाए तो मेनिंजेस इन्फेक्शन उसे हम लोग सिंपली कहेंगे। ठीक है, कौन कौन सी है? ड्यूरामेटर, आर्कनोइड मेटर, पियामेटर। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट लेयर मैंने आपको यहाँ पर बताई। फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन में मैंने सिंपली आपको क्या बताया कि जो मस्तिष्क के कई प्रकार की परतों से और स्कल से मिलकर बना हुआ रहता है, और मस्तिष्क के बाहर तीन प्रकार की लेयर पाई जाती है। कौन कौन सी? ड्यूरामेटर, आर्कनोइड मेटर या पियामेटर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इन लेयर के ऊपर भी हमारे जो मस्तिष्क है उसके ऊपर हड्डी होती है कैल्शियम की। ठीक है, कैल्शियम बोन होती है, कैल्शियम की हड्डी यहाँ पे होती है। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन यानी कि मानव मस्तिष्क की संरचना। अब देखो, मानव मस्तिष्क की संरचना में क्या क्या आता है? तीन प्रकार के मस्तिष्क होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, तीन प्रकार के मस्तिष्क यहाँ पे मैंने बताया आप लोगों को, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। हिंदी में क्या कहते हैं? फोर ब्रेन को अग्र मस्तिष्क कहा जाता है, मिड ब्रेन को मध्य मस्तिष्क कहा जाता है, और हाइंड ब्रेन को पश्चिम मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। अब देखो डायग्राम देख लो, ये रहा फोर ब्रेन। अब गाइस जो अग्र मस्तिष्क है इसके भी तीन भाग है, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। इन सारे भागों को एक एक करके, सेरेब्रम क्या होता है, क्या काम होता है, कहाँ लोकेशन होती है, थैलेमस क्या होता है, क्या काम होता है, हाइपोथैलेमस क्या होती है, इसका काम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम है, मिड ब्रेन का क्या काम है, हाइंड मस्तिष्क, पोन्स, मेंडुला ओब्लॉन्गेटा, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, इन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके डिटेल से समझेंगे। पूरी डिटेल स्टडी करवा दूंगा मैं आप लोग को, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ रहा हूँ मैं गाइस। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेरिब्रम। देखो सेरिब्रम क्या होता है गाइस, समझ लो, सेरिब्रम जो होता है फोर ब्रेन। पहले हम अग्र मस्तिष्क के भागों को एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे, सेरिब्रम को डिस्क्राइब कर रहा हूँ मैं। सेरिब्रम होता क्या गाइस? इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट डिवाइडेड बाय राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये क्या है? यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, और यह राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में बटा रहता। अब ये हेमिस्फीयर पे इतना मैंने जोर क्यों दिया? ये हेमिस्फीयर देखो गाइस, ये रहा मानव मस्तिष्क, बीच में से काटा, मारो कुराड़ी, दो भागों में कर दो, एक इधर का एक इधर का, राइट वाले को राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट वाले को लेफ्ट हेमिस्फीयर। हमारा जो मस्तिष्क है कुछ इस प्रकार से होता है, दो लोब होते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब, राइट को राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट को लेफ्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, इनको सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं, याद रखना है। फिर से रिपीट कर देता हूं इस लाइन को, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम, और यह राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में बटा रहता है। गाइस हेमिस्फीयर का मतलब याद रखना, राइट और लेफ्ट। इसके बाद देखो, दिस बोथ सेरिब्रल हेमिस्फीयर इंटरनली कनेक्टेड बाय कॉर्पस्कुलम। अब देखो ये बोलना है कि यह दोनों सेरिब्रम आपस में एक दूसरे से कॉर्पस्कुलम के द्वारा जुड़े हुए रहते। अब ये गाइस कॉर्पस्कुलम क्या होता है? देखो आपने ब्रेन को काटा था तो दोनों को जोड़ना भी तो पड़ेगा ना अभी, तो दोनों को बीच में आपको जो ये दिखाई दे रहा है ये लाइनिंग, यहाँ पे गाइस होता है आपका कॉर्पस्कुलम, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कॉर्पस्कुलम। ये कॉर्पस्कुलम और कुछ नहीं गाइस, कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि इसको और इसको दोनों को आपस में कनेक्ट करके रखता है, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, तो याद रखना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेरिब्रम का, एक बार इसको वापस से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रिपीट करके आगे बढ़ूंगा। जल्दी से आप लोग सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैंने ये बताया सेरेब्रम क्या होता है। सेरेब्रम सिंपली आपको बोला कि जो सेरेब्रम होता है गाइस दो भागों में बटा रहता है। सेरेब्रम आपका कौन कौन से सेरेब्रम के भाग होते हैं? सिंपली सेरेब्रम होता है राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये दोनों हेमिस्फीयर गाइस आपस में जुड़े रहते किस चीज़ के द्वारा?
कॉर्पसकुलम, कॉर्पसकुलम और कुछ नहीं गाइस, कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि आपस में ब्रेन को कनेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट पेज पे बढ़ता हूँ। अब सेरेब्रम में दूसरी बात देखो, अपर पार्ट ऑफ सेरेब्रम मेड अप नर्व सेल बॉडी विच इज फॉर्म अ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये पॉइंट समझो गाइस, सेरेब्रम का जो ऊपरी भाग है नर्व कोशिकाओं से मिलकर बना होता है या सेरेब्रल कॉर्टेक्स का निर्माण करता है। सिंपल बात बोली मैंने, देखो मेरा जो ये ब्रेन है, ये मस्तिष्क है, इसका आपको ऊपरी भाग दिख रहा है गाइस, ये ऊपरी ऊपरी सतह सतह, इस सतह ये हल्की सी काली कलर की होती है, डार्क होती है, डार्क मैटर होता है, कॉर्टेक्स ग्रे मैटर जिसे कहते हैं, ठीक है। ये ग्रे मैटर और नीचे वाला, थोड़ा देखो ऊपरी वाला भाग आपको दिख रहा है हल्का सा ग्रे है, नीचे वाला लाइट है, ऊपर ग्रे मैटर नीचे वाइट मैटर। तो गाइज ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स हम इसे कहते हैं, और इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाग होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देता है हमारी बॉडी में। मैं आपको आगे बताऊंगा इसका क्या मुख्य कार्य होता है, बट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग समझने के लिए, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा, ठीक है गाइस। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो सेरेब्रम का जो होता है ऊपरी भाग जो कि ग्रे कलर का होता है, इसको जूम करके इतने से भाग को मैंने जूम करा ऐसा निकला, नीचे लाइट है ऊपर ग्रे है, तो नीचे वाइट मैटर ऊपर ग्रे मैटर, ग्रे मैटर वाले भाग को, सॉरी ग्रे मैटर वाले भाग को मैंने सिंपली यहाँ पर बोला गाइस कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नाम से उसको बुलाया है। बहुत यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, याद रखना सेरेब्रल कॉर्टेक्स। मस्त देखो फिर से बताता हूँ, जो है सेरेब्रम होता है दो हेमिस्फीयर में बटा था हमारा, ये राइट हेमिस्फीयर, ये रहा हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर आपस में मैंने कॉर्पसकुलम के द्वारा जोड़ा था। इसके बाद मैंने बोला जो सेरेब्रम होता है इसका ऊपरी भाग बिल्कुल सतह सतह पर इसमें ग्रे मैटर वाइट मैटर होता है, ऊपरी ऊपरी ग्रे मैटर, ग्रे मैटर को हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स गाइस, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नाम से इसको बुला रहा हूँ मैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं लिया हो तो वीडियो को रोको और स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट चीज, पार्ट ऑफ सेरेब्रम गाइस, सेरेब्रम के भी भाग होते हैं ऊपर, जो कि मैंने बोला सेरेब्रम क्या है गाइस, हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा भाग होता है। ये चार भाग होते हैं इसके, एक होता है फ्रंटल लोब, यानी कि ये बड़ा सा दिख रहा है आपको, ये फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब जो कि पीछे की साइड है, ऑक्सीपिटल लोब जो कि सबसे पीछे है, और ये रहा टेम्परल लोब, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4, फर्स्ट का नाम है फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्परल लोब, ठीक है गाइज। ये तीनों चारों भाग इम्पोर्टेंट हैं, चारों भाग के अलग अलग काम, अलग अलग फंक्शंस होते हैं गाइज, ठीक है। मैंने पीछे बताया कॉर्टेक्स होता है, हेमिस्फीयर होता है, हेमिस्फीयर के बाद में हमने आपको ब्रेन के तीन भाग बताया सेरेब्रम वाले भाग के, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्परल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट चीज आती है गाइज, इसके फंक्शन, सेरेब्रम के कार्य बहुत इंपॉर्टेंट। देखो एनाटोमी फिजियोलॉजी दोनों कंबाइंड ही पढ़ रही है, पहले स्ट्रक्चर पढ़ा अब उसके फंक्शंस पढ़ रहा हूँ मैं। इट स्टोर मेमोरी एंड थिंकिंग टू डिसीजन मेकिंग। देखो ये मेमोरी या याददाश्त को संग्रहित करके रखता है, या हमारे सोचने की क्रिया पर भी नियंत्रण रखता है, साथ ही साथ निर्णय लेने में भी मदद करता है गाइस। इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट का सिंपल मतलब है गाइस, देखो हमारा जो सेरेब्रम है ये याददाश्त, याददाश्त तो आप सब लोग जानते हो गाइस याददाश्त क्या होती है। तो हमारी जो याददाश्त होती है, बचपन की यादें होती है, अभी की यादें होती है, चीज़ें इवेंट होती है जो कि हमें याद रहती है, तो याददाश्त कौन रखवाता गाइस, हमारा सेरेब्रम। दूसरी चीज़ मैंने बोली हमारे सोचने की क्रिया, अब मैं जो गाइस आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैं सोच सोच के पढ़ा रहा हूँ, और सोच सोच के पढ़ाने के बाद ये नियंत्रण रखती है, साथ ही साथ निर्णय। अब मैंने डिसीजन लिया कि मुझे आपको सेरेब्रम बोलना है, तो ये जो डिसीजन मेकी है, जैसे कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे जाना ही है, मुझे नहीं जाना है, मुझे वहाँ जाना है, तो ये जो डिसीजन मेकिंग हमारे जीवन के जो फैसले होते हैं, डिसीजन होते हैं, ये कौन लेता है गाइस, सेरेब्रम लेता है। सेरेब्रम का बहुत इम्पोर्टेंट भाग होता है याददाश्त में, सोचने में और निर्णय लेने में, यानी कि डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है गाइस, इट ऑल्सो हेल्प फॉर हियरिंग, टेस्ट, पेन, टेम्परेचर, फील और स्मेल। गाइस बहुत
चार पांच फंक्शन बताए मैंने आपको। यह कई प्रकार की गतिविधियां करता है, जैसे कि सुनने की क्रियाविधि, स्वाद। देखो डेफिनेटली हमको पता है, स्वाद की अगर बात करूँ तो टेस्ट कौन लेता है, हमारी टांग लेती है, हमारी जुबान ही हमको फील करवाती है। पर जो ये जो स्वाद है ना गाइज, ये हमारे ब्रेन तक जाता है, इसके सेंसेशन ब्रेन तक जाता है, हमारा दिमाग काम करता है। अब अगर मैं मेंटल पेशेंट की बात करूँ तो मेंटल पेशेंट को आप बेचारों को कुछ भी खिला दो, उनका ब्रेन एक्टिवेटेड नहीं रहता है, उनका सेरेब्रम एक्टिवेटेड नहीं रहता है, तो उनको स्वाद का कोई पता नहीं लगता। बट हमको स्वाद का पता लगता है क्योंकि हमारा ब्रेन का सेरेब्रम काम करता है। दर्द, अगर आपको कोई कील चुभाएगा आपको दर्द होगा, होगा डेफिनेटली, मैं चुभाऊंगा आपको कील तो दर्द होगा। यदि कोई मेंटल पेशेंट की बात करो जो मानसिक रोग से पीड़ित है, जो कि जिसका दिमाग काम नहीं करता, पागल है, उस व्यक्ति में क्या होता है, आप उसको कील चुभेगी कुछ नहीं होगा, वो ठंड में ऐसा बिना कपड़ों के भी घूमेगा तो कुछ नहीं होगा, गर्मियों में वो कितने भी तापमान में बैठा रहेगा उसको कुछ नहीं होगा, उसकी बॉडी डैमेज होगी पर उसके दिमाग को नहीं मैसेज जाएगा, यानी कि उसे दर्द महसूस नहीं होगा, पेन नहीं होता, तापमान उसको महसूस नहीं होता है। हमें होता है तापमान महसूस, हम किसी गर्म जगह पर हाथ रखते तुरंत हाथ हटा लेते। क्यों हटा लेते? क्योंकि मेरे जैसे ही मैंने हाथ को रखा तो मैसेज मेरे मस्तिष्क तक गया, और मेरे मस्तिष्क तक गई जाके फिर से रिटर्न आया, मैंने हाथ हटाया, तो यह तापमान को भी महसूस कराता है। और किसी भी प्रकार की अच्छी या बुरी गंध, अगर इसका शॉर्ट वीडियो मैंने डाला हुआ है, गंध का मतलब होता है हमारे जो ब्रेन सेरेब्रम के सबसे आगे वाले भाग में, खोपड़ी के आगे वाले भाग में, यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रक्चर होता है जो कि हमें स्मेल को सेंसेशन करने में मदद करता है। नेक्स्ट फंक्शन होता है गाइस इसका, इट ऑल्सो मेंटेन वॉलेंट्री स्केलेटल मसल्स, या पेशियों के संकुचन एवं शिथिलन पर भी नियंत्रण रखता है। देखो गाइस, वॉलेंट्री मसल्स मैंने पहले भी पढ़ाई है, वॉलेंट्री मसल्स वो होती है जो हमारे वश में होती है। कौन कौन सी? जैसे मेरी इच्छा है मैं आपसे बात करूँ, मेरी जो जीबान है, मेरी जो टंग है, इसकी मसल्स काम कर रही है ना गाइस, तो ये नियंत्रण कौन है? अब मान लीजिए अल्कोहल किसी ने पी लिया, समझो एक एग्जांपल बता रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना गाइज, मेरी बातों को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है इस वीडियो में, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, आपका ब्रेन कनेक्टेड रखना मेरे से। तो देखो सिंपल मैं बोल रहा हूँ, मेंटेनिंग वॉलेंट्री मसल्स। अब मान लीजिए कोई अल्कोहल दारू वारू किसी ने पी लिया, ठीक है, अब वो उसका सेरेब्रम का है जो काम, मैसेज जाना बंद हो गए, तो क्या वो ठीक से बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। क्या वो ठीक से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, लड़खड़ाएगा, जीबान उसकी बोलने में लड़खड़ाएगी। क्यों गाइस? क्योंकि मेरा जो मस्तिष्क का सेरेब्रम होता है ना गाइस, ये सेरेब्रम क्या करता है, मेरे जो टंग की मसल्स में, जीबान की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पैरों की बात कर रहा हूँ, हाथों की बात कर रहा हूँ, जो जिसको मैं अपने हिसाब से घुमा सकता हूँ, मेरे हाथों को हिला सकता, पैरों को हिला सकता, सर को, आँखों को, जीबान को, टंग को, नोज को, सब चीज़ों को मैं फील कर सकता हूँ। ये कब नहीं होता है? जब मेरा सेरेब्रम काम नहीं करता गाइस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, तीन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसमें मैंने तीन के आपको 10-12 फंक्शन बताया, वो तो इसमें छोटे 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 पॉइंट, आप इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ रहा हूँ मैं, फटाफट गाइस स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो हमारा सेरेब्रम होता है याददाश्त को संग्रहित रखता है और हमारे सोचने समझने की क्रियाविधि को नियंत्रण करता है, साथ ही साथ निर्णय लेने में भी मदद करता है। ये कई प्रकार की गतिविधियाँ करता है, जैसे कि सुनने की क्रियाविधि, स्वाद लेने में मदद करता है, दर्द तापमान का महसूस करवाता है, और अच्छी या बुरी स्मेल को महसूस करवाता है। नेक्स्ट बोला ये पेशी है, कौन सी? वॉलेंट्री मसल्स को भी संकुचन एवं शीतलन पर भी नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट पेज पढ़ता हूँ गाइस मैं, अब आती है थैलेमस। गाइस में थैलेमस क्या है? देखो पीछे मैंने बताया था आपको, इसके पीछे ले जा रहा हूँ मैं आपको, जो हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन का पाक बताया था मैंने आपको, ये रहा देखो, ये रहा हमारा सेरेब्रम। अब आते हैं थैलेमस, सेरेब्रम पूरा पढ़ा दिया मैंने इसको, स्ट्रक्चर और काम, अब थैलेमस डिस्कस करेंगे। इस क्या होता है थैलेमस, देखो जल्दी जल्दी आगे निकालता हूँ मैं आपसे, ये रहा आपका फंक्शन, ये रहा थैलेमस। अब देखो गाइस थैलेमस क्या होती है, ब्रेन के अंदर ये वाला जो भाग होता है सेरेब्रम के जस्ट नीचे की साइड पे गोल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम थैलेमस कहते हैं। होता क्या है गाइस समझो, थैलेमस कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर, इट इज कनेक्टेड टू सेरेब्रम टू मिड ब्रेन। यह हमारे दो प्रकार के मैटर होते हैं, वाइट मैटर और ग्रे मैटर। देखो डायग्राम, अब देखो ये रहा, ये देखो इसमें हल्का सा डार्क कलर दिख रहा है, हल्का वाइट दिख रहा है, तो ये जो गाइस ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्रे मैटर और लाइट मैटर दोनों से ही मिलकर बना होता है। ग्रे मैटर भी पाया जाएगा इसमें, लाइट मैटर भी इसमें
पाया जाएगा, ठीक है। और ये कहा होता है ब्रेन को, जो आपका सेरेब्रम को नीचे मिड ब्रेन से कनेक्ट करता है गाइस, ये बीच का कनेक्शन का काम करता है। नेक्स्ट देखो इसमें थैलेमस, देखो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ रहा हूँ मैं आपको, थैलेमस इज अ स्टेशन ऑफ ब्रेन, इट कैरी ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन एज पेन, टच, टेम्परेचर एंड इट सेंड द सेरेब्रम टू द सेरेब्रम। लाइन को समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थैलेमस विभिन्न प्रकार की संवेदनशील जानकारी जैसे कि दर्द, तापमान, स्पर्श सब को शरीर से लेकर सेरेब्रम तक भेजता। गाइस समझो, मुझे इंदौर में एक एग्जांपल बता रहा हूँ, प्लीज़ यार मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 वीडियो को स्किप मत करना, समझना मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। देखो मैंने बोला, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ थैलेमस का काम समझाने से पहले, मुझे यहां से यहां कोई चीज भेजनी है, आएगी कहां से, यहां से स्पाइनल कॉर्ड से। ये आप ऐसे भी समझ सकते हो, मुझे इंदौर से यदि भोपाल जाना है तो क्या सीधे उड़ के चला जाऊंगा, नहीं, या तो ट्रेन से जाऊंगा, या फ्लाइट से जाऊंगा, या बस से जाऊंगा, या बाइक से जाऊंगा। यदि मुझे बस से जाना है तो मुझे पहले स्टेशन जाना पड़ेगा, स्टेशन से बस मुझे कहां भेजेगी गाइस, भोपाल भेजेगी। तो इसी टाइप से कोई भी जानकारी मस्तिष्क में आएगी, यदि उसे सेरेब्रम तक जाना है तो उसको किससे गुजर के जाना पड़ेगा, स्टेशन से। स्टेशन कौन है, दिमाग का स्टेशन, यानी कि आपकी जो थैलेमस है, इसे मस्तिष्क की स्टेशन भी कहा जाता है। कोई भी मैसेज पहले आपके सेरेब्रम में आने से पहले आपकी स्टेशन में यानी कि थैलेमस में आता है, थैलेमस उसको भेजती है। क्लियर है गाइस, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो थैलेमस होती है, इसे स्टेशन ऑफ ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि दर्द, तापमान, कोई भी मैसेज आएगा पहले हमारे ब्रेन में आने से पहले थैलेमस के पास जाएगा, वो इसे परमिशन देगी अंदर जाने की तो जाएगा। क्लियर गाइस, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है गाइस। इसका एक और फंक्शन और मैं नॉर्मली बता देता हूँ गाइस। अब देखो कोई मान लीजिए मुझे एकदम झटका शॉक टाइप का लगा, तो शॉक लगने पे ये जो थैलेमस है मैसेज को वापस बॉडी में ही रिपीट कर देता, ब्रेन तक नहीं भेजता, ताकि ब्रेन ना प्रोटेक्टेड रहता है, ब्रेन को प्रोटेक्शन का भी काम करती है गाइस, ठीक है। जैसे कि हम लोग लाइट चलाते हैं, उसमें एक होल्डर बाहर लगा देते ताकि लाइट तेज आएगी तो वो होल्डर जल जाएगा, पर अंदर तक लाइट नहीं जाती, पूरे सिस्टम नहीं जलते। तो थैलेमस पहले ख़राब होती है, ये बाद में होता है, सेरेब्रम तक इतनी ईजिली इफेक्ट नहीं जाता। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब गाइस हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या होती है गाइस, थैलेमस के ठीक नीचे और मिड ब्रेन के ठीक ऊपर, थैलेमस के नीचे, और ये रही जो छोटी सी आपको मटर के दाने के समान संरचना को हम क्या कहते हैं गाइस, इसको कहते हैं हम लोग सिंपली पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड इसे हम लोग कहते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर होती है आपकी हाइपोथैलेमस, ये तो रही थैलेमस, थैलेमस के ठीक नीचे हाइपोथैलेमस होती क्या गाइस। हाइपोथैलेमस इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर बट इम्पोर्टेंट, इट्स नॉर्मल वेट इज 7 ग्राम। हाइपोथैलेमस छोटी संरचना होती है, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसका वजन लगभग 7 ग्राम तक होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, लगभग थैलेमस का कितना वजन, हाइपोथैलेमस का कितना वजन होता है, तो 7 ग्राम याद रखना। वाइवा में भी पूछ सकते हैं आपसे कि आपका जो ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस होती है इसका लगभग कितना वजन होता है। नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं हम लोग, इट लोकेटेड जस्ट बिलो द थैलेमस एंड इट कनेक्ट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। यह थैलेमस के ठीक नीचे स्थित होती है और यह पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे वाले भाग से जुड़ी रहती है। डायग्राम देख लो, ये तो रहा हमारा थैलेमस, ठीक है, ये सिंपली हमारा थैलेमस, थैलेमस का के नीचे हाइपोथैलेमस, तो ये हाइपोथैलेमस के नीचे वाले भाग से जुड़ी रहती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड का याद हो तो पीछे वाला भाग पोस्टीरियर भाग कहते हैं, इससे जुड़ी रहती है, इन दोनों भागों से कनेक्टेड रहती है। गाइज स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बढ़ता हूँ गाइज इसके फंक्शंस के ऊपर। देखो गाइज हाइपोथैलेमस के क्या फंक्शन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है गाइज हाइपोथैलेमस के। इट कंट्रोल
आउटपुट ऑफ पिट्यूटरी हॉर्मोन्स को बोलना चाह रहा है, या पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हॉर्मोन्स की मात्रा पर भी नियंत्रण रखते। हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड थी ना, अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी थैलेमस थी, ये थैलेमस जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे वाले भाग से जुड़ी हुई थी गाइस, तो पीछे वाले भाग से जो हॉर्मोन्स निकलते हैं ना, उन हॉर्मोन्स को, पिट्यूटरी ग्लैंड के निकलने वाले हॉर्मोन्स को नियंत्रण रखती है कौन? हाइपो थैलेमस। नेक्स्ट इसका जो कार्य होता है गाइस, इट कंट्रोल ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ऑफ बॉडी। ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या है गाइस, थोड़ा सा जान लो इसको भाई, प्लीज वीडियो स्किप मत कीजिएगा यार, आप समझ लो ठीक है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या होता है? देखो, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो कि अपने आप काम करे, जैसे कि मेरा हृदय अपने आप धड़कता है, मेरे जो हार्ट है ऑटोमेटिकली ही पंप करता है। ऑटोमेटिकली पंप कब करेगा? जब उसे नर्वस सिस्टम, कौन सा? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम चलाएगा उसको। ये चीज़ याद रखना, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन का नियंत्रण, सॉरी हमारे हार्ट का, जो जितने भी ऑटोनोमस जो ऑटोमेटिकली होते हैं उसे मेंटेन रखता है गाइस ठीक है। और ये इस ब्रेन का कौन सा भाग? हाइपोथैलेमस मेंटेन रखती है। इट कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, यह हमारे शरीर के तापमान पर भी नियंत्रण रखता है। यदि तापमान बढ़ गया है तो उसे कम करेगा, यदि कम है तो हमारे शरीर के तापमान को बढ़ा देगा। कौन बढ़ा देगा गाइस? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ठीक है। एक और मेन फंक्शन होता है नीचे वाला, इट इज़ ऑल्सो मेंटेन फूड एंड वाटर बैलेंस। ये हमारे शरीर में पानी का भी नियंत्रण कैसे करता है गाइस? देखो, कोई मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, कोई पागल व्यक्ति है, मेंटल पेशेंट है, वो खाने खाए जा रहा, खाए जा रहा, उसको पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं लगता कि मुझे कितना खाना है। तो फूड की मात्रा पर, खाने की मात्रा पर नियंत्रण नहीं होता है। पानी, मुझे प्यास लगी है, उनको प्यास ही नहीं लगती, उनका मन करा जब जितना चाहे उतना पी लिया, नहीं करा तो नहीं पिया, प्यास ही रहे। और ऐसा कभी कभी अल्कोहल पीने पे भी हो जाता है गाइस, अल्कोहल वगैरह कोई दारू वारू ज़्यादा पी लेता है तो क्या होता है, उसको पता ही नहीं रहता कितना खाना है, खाया जा रहा, उसको पता ही नहीं कितना हंसना, हंसे जा रहा है। तो ये सारी एक्टिविटी बिगड़ जाती है हाइपोथैलेमस की वजह से। तो गाइस, मेंटेन अ फूड एंड वाटर बैलेंस, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। फिर से बता देता हूँ, पिट्यूटरी हॉर्मोन्स पर नियंत्रण रखेगी हमारी हाइपोथैलेमस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को हाइपोथैलेमस मेंटेन रखती है, शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस मेंटेन रखती है, और खाने और पानी की मात्रा पर भी नियंत्रण हाइपोथैलेमस ही रखेगी गाइस। ये तीनों चारों स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आपके स्क्रीनशॉट लिया होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट करो भैया, बिल्कुल बताऊंगा। मिड ब्रेन, अब आती गई मध्य मस्तिष्क की बात। ये रहा आपका मध्य मस्तिष्क, ये आपका सेरेब्रम था बड़ा वाला भाग, इसके अंदर आपकी वो आई थी थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब ये वाला भाग है ना गाइस, इसको मिड ब्रेन कहते हैं, मिड ब्रेन ठीक है। अब ये मिड ब्रेन क्या होता है? मिड ब्रेन लोकेटेड जस्ट बिलो द ब्रेन फोर ब्रेन इट अपर साइड ऑफ हैंड हाइंड ब्रेन। देखो इसका मतलब समझो, मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के नीचे होता है और पश्चिम मस्तिष्क के ऊपर। देखो बिछला है, बिछला मतलब बीच का, ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है, बीच में स्थित है। और बीच में स्थित है तो ऊपर वाले यानी कि फोर ब्रेन से कनेक्टेड है, और मिड हाइंड ब्रेन यानी कि जो पीछे वाला मस्तिष्क है इससे भी ये कनेक्टेड रहता है। तो याद रखना गाइज, ये अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को आपस में जोड़ने का काम कर इसका। इट मेंटेन मूवमेंट ऑफ आइस, ये हमारी आंखों की गतिविधि पर नियंत्रण रखता है, साथ ही साथ सुनने की क्रियाविधि। मैं आंखों को मूव कर पा रहा हूँ, इधर उधर देख पा रहा हूँ, मैं आपसे सिंपली बातें कि मैं सुन पा रहा हूँ जो आपको बोल रहा हूँ वो, तो ये सुनने और देखने की जो प्रक्रिया को मेंटेन मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क जो होता है, इसका मुख्य कार्य होता है कि हमारे आइस के मूवमेंट पे और इन चीज़ों पे मेंटेन रखता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर आगे बढ़ रहा हूँ मैं ठीक है। तो ये समझ में आया आपको कि ये क्या चीज़, ये काम करता है मूवमेंट ऑफ आइस और सुनने की क्रिया। देखो अब आती है हाइंड ब्रेन यानी कि पश्चिम मस्तिष्क के ऊपर बात। पश्चिम मस्तिष्क, ये सेरेब्रम पढ़ा हमने, थैलेमस पढ़ा हमने, हाइपोथैलेमस पढ़ा जो कि फोर ब्रेन का भाग था, मिड ब्रेन बताया जो कि बीच का भाग है, हाइंड ब्रेन यानी कि पोन्स मेंडुला ओब्लांगेटा और नीचे आता सेरेब्रम, ये तीनों भाग बचे। अब पोन्स क्या होती है, मेंडुला ओब्लांगेटा क्या होता है, सेरेब्रम क्या होता है, ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पोन्स के बारे में। इट इज
पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन विच इज लोकेटेड बिलो द मिड ब्रेन। यह पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है एवं यह मध्य मस्तिष्क के ठीक नीचे होता है। कहाँ पे होता है गाइज, डायग्राम एक बार देख लो प्लीज़। आप लोग डायग्राम देखो, ये रहा हमारा मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के नीचे होता है और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के ऊपर यहाँ पे ये वाला भाग है, ये पोन्स होता है। इट मेंटेन इट्स मेन फंक्शन इज दैट इट हेल्प टू स्लीपिंग प्रोसेस ऑफ बॉडी। यह सोने की प्रक्रिया को नियंत्रण रखता है। मैं सोऊंगा, मुझे नींद आ रही है तो मैं सो गया, मैं उठ गया, तो जो सोने की प्रक्रिया, जितनी भी नींद की प्रक्रिया होती है, सोने की प्रक्रिया होती है, स्लीपिंग प्रोसेस होती है, इसको कौन मेंटेन करता है गाइस, पोन्स करता है। इट ऑल्सो मेंटेन रेस्पायरेशन ड्यूरिंग द स्लीपिंग। देखो अब मैं सो गया, मुझे नींद आ गई, तो मुझे ये भी तो बताना है कि भैया मुझे सांस लेना है, ठीक है। तो जो हम सोएंगे तब हमें जो सांस लेना रहती है, ऐसे कभी ऐसा किसी के साथ हुआ है कोई सो गया और सांस लेना भूल गया नींद में? ऐसा किसी के साथ नहीं होता गाइस, क्योंकि जो रेस्पायरेशन, और कभी कभी ऐसा होता है गाइस, आप सांस लेना चाह रहे हो सांस नहीं ले पा रहे हो, आप उठना चाह रहे हो उठ नहीं पा रहे हो, ऐसा क्यों होता है? आपको बोलते दब गए हो आप, ऐसा नहीं होता। जब आपको जो क्या है पोन्स ना थोड़ा सा काम करना, इसकी एक्टिविटी थोड़ी इधर उधर हो जाती है, इसकी वजह से सांस लेना आप भूल जाते हो, आप घबराने लगते हो, एकदम नींद खुलती है, आप रेस्पायरेशन करने लगते हो। तो याद रखना गाइस, दो इम्पोर्टेंट फंक्शन है। पहला तो फंक्शन ये है इसका कि ये हमारे सोने की प्रक्रिया यानी कि स्लीपिंग प्रोसेस में मदद करेगा। दूसरी, जब हम सोएंगे तब हमें श्वास लेने के लिए, रेस्पायरेशन के लिए बताता है, रेस्पायरेशन की क्रिया को भी ये नियंत्रित रखता है। नेक्स्ट पेज पर पढ़ता हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। अब बात करते हैं हम लोग मेंडुला ऑब्लॉन्गेटा के बारे में। होता क्या है, इट लोकेटेड जस्ट बिलो द पोन्स एंड लोअर पार्ट इज कनेक्टेड विथ स्पाइनल कोर्ड। गाइस क्या बोलना है, यह ठीक पोन्स जो अभी पड़ा उसके नीचे, ये रहा पोन्स के नीचे मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, उसके नीचे स्थित होता है। इसका निचला भाग स्पाइनल कॉर्ड से, ये रही लंबी सी यहाँ पे स्पाइनल कोर्ड आएगी, इस स्पाइनल कोर्ड से जुड़ा रहता है हमारा क्या, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। नेक्स्ट, इट नॉर्मल साइज 2 to 3 centimeter लॉन्ग। इसकी जो लंबाई होती है ना गाइस, 2 to 3 centimeter तक लंबी होती है। किसकी, मेंडुला ऑब्लॉन्गेटा की लंबाई 2 to 3 centimeter होती है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके कार्यों के बारे में बात करते हैं फिर। अब आते हैं इसके फंक्शंस के ऊपर गाइस, क्या होते हैं। इट मेंटेन अ ब्लड प्रेशर ऑफ बॉडी। इसको वाइटल प्रोसेस जितनी भी होती है सब मेंटेन करेगी। ये हमारे शरीर के रक्त दाब को, ब्लड के प्रेशर को नियंत्रण रखेगा, ठीक है। इट मेंटेन हार्ट बीट यानी कि हमारी हृदय की गतिविधि को नियंत्रित रखेगा। इट मेंटेन ब्रीथिंग हमारी सांस लेने, हमें जल्द हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कम मात्रा है तो जल्दी सांस लेंगे, ज़्यादा मात्रा है तो स्लो सांस लेंगे, ठीक है। तो जितनी भी प्रोसेस होती है सांस लेने की, ये मेंटेन करते। तो इसके तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आप याद रखो, वाइटल प्रोसेस को मेंटेन करता है पहली चीज तो ये, हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रण, हार्ट बीट को नियंत्रण और मेंटेनिंग ब्रीथिंग, ब्रीथिंग को भी ये मेंटेन करके रखता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ। अब आगे बढ़ता हूँ गाइस मैं यहाँ से। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेरिबेलम। देखो हमने पहले सेरिब्रम पढ़ा था, अब सेरिबेलम, सेरिबेलम ये रहा पीछे गोल शेप का होता है। सेरिब्रम अलग है गाइस, जो सेरिबेलम अलग है, दोनों को एक चीज मत समझ लेना आप लोग। इट इज ओवल शेप्ड विच इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द पोन्स। बोलना है कि ये ओवल आकृति की होती है या ठीक पोन्स के पीछे। देखो डायग्राम देख लो गाइस, ये रहा गोल शेप, ओवल शेप की है, पोन्स के ठीक पीछे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, इट मेंटेन अ फंक्शन दैट इज हेल्प टू मेंटेनिंग अ बॉडी बैलेंस। इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना। ये सबसे आखिरी भाग है सेरिबेलम। अब बोलते हैं ना पीछे मत मार, छोटा दिमाग होता है पीछे, अगर आप लोग पीछे आपके दिमाग में यहाँ पे ठप ठप मारोगे तो आप एकदम चलने में असमर्थ हो जाओगे, आपको ठीक से बैलेंस बिगड़ जाएगा। कोई चलते चलते डंडे के सिर में मार दे, पीछे इसमें मार दे, यहाँ पे यदि लगेगी ना गाइस तो क्या होगा, यहाँ पे लगने से आपका बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, आप तुरंत सडनली नीचे गिर जाओगे, ठीक है। तो सेरिबेलम का मुख्य कार्य होता है ये हमारी बॉडी के मूवमेंट यानी कि हमारी गतिविधि को नियंत्रण रखता है, संतुलन शरीर का बनाए रखता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
यहाँ पे आपके पार्ट ऑफ ब्रेन मैंने खत्म करे, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड बची है, ग्लैंड वाले भाग में पढ़ाऊंगा, मिड ब्रेन पढ़ा है, हाइंड ब्रेन में पोन्स, मेडुला ओब्लॉन्गेटा, सेरिबेलम कंप्लीट, बच्चा स्पाइनल कोड, इसके बाद जस्ट स्पाइनल कोड की वीडियो आएगी, पूरी वीडियो देख लेना, सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूर इंडियन मेडिकल लेक्चर। रुको एक मिनट, वीडियो को लाइक किए बिना कोई नहीं जाएगा यहाँ से, सब लोग लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।